बाणभट्ट की कादंबरी, और उसमें भी कल से हमने सुकनासोपदेश शुरू किया। आज सुकनासोपदेश का ये दूसरा पाठ है या दूसरा लेक्चर है, आप ऐसा मान सकते हैं। और इस वर्ग में जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का निबंध लिखना चाहते हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी एक बात को किस प्रकार से, तरह तरह से उस पर विचार किया जा सकता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का विभाग रहेगा। तो शुरू करते हैं। आलोक्य तु तावत् कल्याणाभिनिवेशो। देखिए, आप कल्याण की कामना कर चुके हैं, आप एक कल्याण के मार्ग पे चलने वाले हैं। चंद्रापीठ से कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? सुकनास कह रहे हैं। तो जब आप कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ने वाले हैं, तो हर चीज में लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, तरह तरह की लक्ष्मी, इन सब का मिला जुला मिश्रण ये कल्याण होता है। कल्याण न सिर्फ राजलक्ष्मी से है, ना ही कल्याण जो है वो अन्य किसी सामान्य उससे है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप कल्याण के मार्ग पे चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले लक्ष्मी मेव प्रथमम आलोकयतु। तो मैं आपके साथ लक्ष्मी की चर्चा कर रहा हूं, पहले जरा इस लक्ष्मी को ही समझ लो। इयम ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। देखिए, सबसे पहले क्या कहा कि ये लक्ष्मी कैसी है? सुभट, बड़े बड़े वीर योद्धाओं के खड्ग मंडल। वैसे तो तलवार जो है वो गोल नहीं होती है, अर्धचंद्राकार होती है, लेकिन जब वो चलाई जाती तो बड़ा गोल गोल घूमती है। तो जब वीर योद्धाओं की गोल घूमती हुई तलवार रूपी वन विभ्रम भ्रमरी, उस वन में घूमने वाली भौंरी की तरह, यहां सुभट का अर्थ आप वीर योद्धा भी कर सकते हैं, उत्साही व्यक्ति भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति भी कर सकते हैं, यानी जो धन प्राप्त करना चाहता है उसको अपने जीवन में खड्ग रूपी, तलवार रूपी, या कर्म रूपी, या मेहनत रूपी तलवार को घुमाना पड़ेगा। और जब वो इस तलवार को घुमाता है तो उस वन में विभ्रम भ्रमरी, उस वन में भ्रमण करने वाली भौंरी की तरह। अब देखिए, भौंरी जब कहा तो एक चीज और आ गई उसमें कि भौंरी किसी भी एक फूल, कितना भी सुंदर फूल हो, कितना भी अच्छा फूल हो, उस एक फूल पे नहीं बैठेगी। अभी यहां है, पता चला कि उड़ के दूसरे फूल का रस लेगी, तीसरे फूल का रस लेगी। इसी प्रकार से ये लक्ष्मी चंचला है। आगे कहते हैं, लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। ये लक्ष्मी जो है, पारिजात के पत्तों में से इसने राग को प्राप्त किया। इसको कहां कहां से क्या मिला है उसकी बात कर रहे हैं। इसने राग जो है वो पारिजात के पत्तों से प्राप्त किया है। इंदु शकला देर कांत वक्रताम। और पूरा जो चंद्रमा होता है ना, उसमें से इसने शोभा तो ग्रहण की, लेकिन उसके साथ उसकी वक्रता, कि चंद्रमा जब बिल्कुल शिव के मस्तक पे जो है ना चंद्रकला, वो होती है, इस प्रकार से इसने वक्रता सीखी है। किससे? चंद्रमा के पास से। उच्चै स्रवस चंचलताम। और चूंकि समुद्र मंथन से ये प्राप्त हुई है, तो पारिजात भी समुद्र मंथन से निकला है, चंद्रमा भी निकला है, उच्चै स्रवस घोड़ा भी निकला है, ये जितनी चीजें आ रही हैं सब समुद्र मंथन से प्राप्त हुई हैं। तो समुद्र में लक्ष्मी भी रही हैं और ये सारी चीजें भी क्षीर सागर में रही हैं। तो जब सारी चीजें एकत्रित एक ही जगह हों, तो ये सब सगे भाई बहन हैं, तो जब एक ही घर परिवार के लोग हैं तो किसी ना किसी का कोई गुणधर्म तो प्रत्येक व्यक्ति में आ जाता है ना। तो लक्ष्मी ने अपने इन सभी
सगे भाई बहनों संबंधियों के पास से क्या क्या सीखा उसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे। तो देखिए, अगर कोई पीएचडी करना चाहता है विद्यार्थी, तो उसको ये समझना चाहिए कि आप किस किस एंगल से, किस किस तरह से एक विषय के ऊपर विचार कर सकते हैं और किस किस तरह से आप उस विषय का विस्तार कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। तो चंद्रमा से वक्रता सीखी है, उच्चैः स्रवसः चंचलताम। उच्चैः स्रवः जो घोड़ा है बड़ा चंचल है, तीव्रगामी है, तो इसने भी उसके पास से वो चंचलता, तीव्र गति उसके पास से सीखी है। कालकूटान मोहन शक्तिम, और कालकूट विष कैसा, अगर आप समुद्र मंथन का वर्णन सुने ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब कालकूट विष उत्पन्न हुआ तो उस विष में से जो एक तरीके से भाप जैसी निकल रही है ना, तो उस विष से निकलने वाली उस गंध से, उस सुगंध से या उस वाष्प से ही पूरा वातावरण जैसे मदहोश बेहोश होने की तैयार, विषपान तो किसी ने किया ही नहीं है, उस विष की गंध से ही जैसे लोग बिल्कुल मूर्छित होने की तैयारी में थे, इतना भयंकर उसकी असर थी। तो उस कालकूट के पास से इसने क्या सीखा है, मोह शक्तिम, लोगों को मोहित कर देना, जैसे जहर की छोटा सा, छोटे से छोटा कण भी व्यक्ति को दो चार दिन के लिए बेहोश कर दे और ज्यादा हो गया तो चले ही गया, इस प्रकार की स्थिति हो जाए, उसी प्रकार से इसने उस कालकूट विष के पास से मोहन शक्ति सीखी है। मदिरायाह मदम, मैंने कहा था कि सुरा मदिरा वारुणी निकली थी वहां से, उस वारुणी के पास से, उस मदिरा के पास से इसने मद सीखा है। जब नशा होता है तो व्यक्ति की जो दशा होती है ना, कि वो ये समझता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है, उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, शक्तिमान नहीं, बुद्धिमान नहीं, ज्ञानवान नहीं, और जिस क्षेत्र में वो विचार कर रहा होगा उस क्षेत्र में ये मानेगा मेरे जैसा कोई। तो उस मदिरा से इसने मद को सीखा है। कौस्तुभ मणेर अति निष्ठुर, और जो कौस्तुभ मणि है उसके पास से इसने निष्ठुरता सीखी है। देखिए, मणि हमेशा, मतलब आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कठोर क्या है, तो कहते हैं कि डायमंड, हीरा जो है वो सबसे मजबूत होता है, हैं? तो ये जो मजबूताई की बात आती है, तो सबसे कठोर अगर कुछ है तो डायमंड के लिए, हीरा के लिए कहा जाता है। तो ये भी कौस्तुभ मणि है, ये भी मणि है। तो उस मणि से इसने निष्ठुरता सीखी है। इत्येतानि सहवास परिचय, ये सारी चीजें जो है ना, इत्येतानि, ये सारी ऊपर जिनका वर्णन किया कि पारिजात से इसने राग प्राप्त किया, चंद्रमा से इसने वक्रता प्राप्त की, उच्चैः स्रवसः से इसने चंचलता प्राप्त की, कालकूट से इसने मोह शक्ति प्राप्त की, मदिरा से मद सीखा, और निष्ठुरता सीखी किसके पास से, कौस्तुभ मणि के पास से, जो देखने में तो बड़ी सुंदर है, अपने गले में उसको विष्णु ने पहन के रखा हुआ है, लेकिन है बड़ी कठोर, उससे इसने कठोरता सीखी है। तो इत्येतानि, ये सभी सहवास, साथ में रहने के कारण, परिचय, वसाद, विरह, विनोद चिन्हानि। अब देखिए, ये प्रस्तुतिकरण की पद्धति क्या है, जब ये इन सबसे दूर हुई है ना, ये जितने रत्न हैं, ये जितने तत्व हैं, ये जितनी चीजें हैं, इन सबसे जब ये दूर हुई है, तो दूर होते होते सब लोग एक दूसरे को कुछ निशानी, कुछ चिन्ह, कुछ चीजें दिया करते हैं ना, कि चलो भैया जा रहे हो ना, चलो हमारी तरफ से ये रखना, उनने कहा हमारी ये चीज रख लेना, उनने कहा हमारी ये चीज रख लो, सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं ना। तो ये जब सहवास में, यानी साथ में समुद्र में रहती थी, और जब वहां से बाहर आई, ये सब लोग अलग अलग हुए, तो इसने अपने उन सहवासियों के पास से ये सारी चीजें, विरह विनोद चिन्हानी, अगर विरह हो तो विरह में उसको याद करने का कोई माध्यम चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई निशानी चाहिए, वो निशानी के रूप में इसने ग्रहित्वेदा, ये सारी चीजें इसने प्राप्त की है। तो लक्ष्मी जी को, मतलब उनका घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, घर परिवार के उनके लोग ऐसे रहे हैं, उनका कुल ऐसा रहा है कि जिसमें जितने लोग थे उनके पास से उन्होंने क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्राप्त किए हैं, इसका वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, नहीं एवं विधम अपरम,
ऐसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है, लक्ष्मी जी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अपरिचित मी है जगति किंचित अस्ति, यहां इसके लिए कुछ भी अपरिचित नहीं है। यथि अयम अनार्या, जैसी ये अनार्य। देखिए स्त्री के लिए सभी का परिचय उसके पास हो तो ऐसी स्त्री के लिए बड़ा ये उत्तम गुणधर्म उसका नहीं माना जाता है, लेकिन ये ऐसी स्त्री है, ये ऐसी है कि इस संसार में इसके लिए कोई अपरिचित नहीं है। आप ये सोचेंगे कि भाई किसी परिचित के यहाँ जाना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, किसी से जुड़ना चाहिए, किसी के साथ उठना बैठना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो परिचय चाहिए ना। इनको ऐसा कुछ है ही नहीं, ये किसी के भी पास जा सकते हैं, इनके लिए कुछ भी। तो जैसे कोई अनार्य हो इस प्रकार से इसके लिए कोई अपरिचित नहीं है। लब्धापि खलु, अब उसके आगे कह रहे हैं कि अगर इसको प्राप्त भी कर लो, दुखे न परिपाल्यते, अत्यंत मुश्किल से इसकी रक्षा की जा सकती है। देखिए पहली बात तो यह है कि लक्ष्मी जो है किसी चीज का लिहाज नहीं करती, लेकिन अगर आपने बड़ी मेहनत करके इसको प्राप्त भी कर लिया तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास बनी रहेगी। दुखी न परिपाल्यते, अत्यंत दुख पूर्वक ही इसकी रक्षा की जा सकती है। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति, दृढ़ यानी अत्यंत मजबूत, गुण पास यानी रस्सी से पास से बंधे हुए संदान संदूक के अंदर आप इसको बंद करके रख दो ना तो भी ये नष्ट हो जाती है। आप इसको तिजोरी के अंदर, गोलक के अंदर, जो भी आपको गोदरेज की या जिस कंपनी की आपको श्रेष्ठ में श्रेष्ठ लगती हो उसके अंदर भी अगर आप इसको भर के रख देंगे तो भी ये नष्ट हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि कैसे नष्ट हो जाएगी, आप समझिए बात को। मान लीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपया है, उस 1,00,000 रुपये को आप किसी तिजोरी में, किसी बक्से में, किसी संदूक में, किसी जगह भर के रख देते हैं। आप कहते कि 10 साल तक वो 1,00,000 रुपया मैंने सुरक्षित करके रखा, लेकिन 10 साल बाद उस 1,00,000 की वैल्यू पता चला कि 1,000 भी नहीं रह गई, तो आपके लिए तो नश्यति ही हो गया ना। जो 1,00,000 था वो आपका 1,000 हो गया, 10,000 हो गया, तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसका मूल्य घट जाएगा, उसकी खरीद शक्ति घट जाएगी। तो लक्ष्मी का जो वास्तविक स्वरूप है वो किस प्रकार का है कि इसको दृढ़ गुण पास से बांध के भी अगर आप रखेंगे ना तो भी ये नष्ट हो जाएगी। उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लास, सहस्रोल्लासिता असिलता पंजर विद्रतापि अपक्रामति। उद्दाम भट, बड़े बड़े दर्प यानी अभिमान से परिपूर्ण भट यानी कि योद्धा, और ऐसे भी कैसे, हजारों योद्धाओं के द्वारा जिसको पंजरम विद्रतापि, पिंजरे में बंद करके रखा गया हो, यानी इसको पिंजरे में आप बंद कर दो और हजारों योद्धा उसकी सुरक्षा में लगे हों, तब भी अपक्रामति, फिर भी ये वहां से चली जाती है, फिर भी इसको रोक के नहीं रखा जा सकता है, फिर भी वहां से भी ये चली जाएगी। देखिए तो सही किस किस तरीके से विचार किया जा सकता है। लक्ष्मी चंचला इस चीज को बताने के लिए कितनी बातें यहां प्रस्तुत करते हैं, आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि लक्ष्मी है और वो चंचला है, अब उसी चीज को व्यक्त कर रहे हैं। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता, मतलब एक बात आपको कहनी है तो उसके लिए आपके पास सीधे सीधे शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन भाषा पे भी किस प्रकार का प्रभुत्व होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, कोई श्रेष्ठ निबंध लिख रहे हैं, तो भाषा भी किस प्रकार से आपकी गर्वित भाषा होनी चाहिए या श्रेष्ठ भाषा होनी चाहिए या भाषा में किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें भी हमको यहाँ सीखने को मिलती हैं। मद जल दुर्दिन अंधकार, भाई हाथियों की मद झरता रहता है और वो इतना मद झरा है कि उसकी वजह से जब बरसात होती है तो दुर्दिन कहा जाता है, जिस दिन सुबह से शाम तक झरमर झरमर श्रावण का बरसात होता रहे तो उसको संस्कृत में दुर्दिन कहा जाता है। तो इतना मद झर रहा है कि जिसकी वजह से दुर्दिन हो गया, और जब ऐसा होता है तो उस दिन पूरे दिन अंधकार रहा करता है,
तो इस प्रकार के वातावरण में गज यानी हाथी के घन घटा परिपालिता भी इतने हाथी एकत्रित हो जाएं और उनके द्वारा जिसकी रक्षा की जा रही हो प्रपलायते, फिर भी वो पलायते यानी चली जाती नहीं है, प्रपलायते, प्र उपसर्ग का उपयोग किया, मतलब वहां ये कह सकते इतने हाथी भी या इस प्रकार के योद्धा भी या इस प्रकार के सब लोग उसकी रक्षा में लगे हों, जाने लायक वातावरण भी नहीं हो। ध्यान दीजिए, वो एक कोई गीत है, मेघ से कहती है नायिका कि कुछ थोड़ी मेहरबानी करो, अभी मत बरसो, और प्रियतम जब आ जाए तो फिर इतना बरसना कि वो वापस ना जा पाए। लेकिन ये तो दुर्दिन, किसी अवस्था का, किसी स्थिति का, किसी का कुछ नहीं। प्रपलायते, पलायते का अर्थ होता कि भाग जाती हो, प्रपलायते यानी बड़ी शीघ्रता से प्रकृष्टे ने पलायते, ये इसका अर्थ होता। ना परिचय रक्षति, ये परिचय का भी ख्याल नहीं करती है कि भाई ये तो मेरा परिचित व्यक्ति है तो इसके पास तो हम बने रहें, इससे दूर ना जाए, ना ना ना, ना परिचय रक्षति, ये परिचय की भी रक्षा नहीं करती है, ना भी जन्म ईक्षते, ना ये किसी अभिजन कुल जिसको कहते हैं ना, या सज्जनता, ये सज्जनता का भी ख्याल नहीं करती, उसको भी नहीं देखती है। ना रूपम आलोकयते, ना ये किसी के सौंदर्य को देखती है। अब देखिए यहां एक क्रिया है रक्षति, एक क्रिया है ईक्षते, एक क्रिया है आलोकयते, ये तो चलती रहेंगी, हर बार अलग अलग क्रिया का प्रयोग। बात एक ही है कि लक्ष्मी किसी की शर्म नहीं करती है, वो किसी का ध्यान नहीं करती है, उसको जाना होता तो वो चली जाती है, बात यही कहनी है। लेकिन उसके लिए किस किस प्रकार से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है और अलग अलग शब्दों का प्रयोग किए जाने पे वो कितना सुंदर लगता है, ये जो चीज है ये हमें सीखनी चाहिए। कई बार हम कुछ बातों को कहते हैं तो हमारे शब्द रिपीट हो जाते हैं, हम उन्हीं बातों को कहने लग जाते हैं, हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग बार बार कर लेते हैं, पुनरुक्ति दोष कहा गया है साहित्य में, नहीं यहां पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। यानी वो परिचय की रक्षा नहीं करती है, वो अभिजनता को देखती नहीं है, वो रूप का भी ध्यान नहीं करती, उस पर भी ध्यान नहीं देती। ना कुल क्रमम अनुवर्तते, और कोई उत्तम कुल का है, इसकी परंपरा अच्छी है, नहीं, उसका भी अनुवर्तते, अनुवर्तते यानी उसका भी अनुसरण नहीं करती है कि नहीं इसके बाप दादा पैसा वाले थे तो इसके पास भी हम बने रहे, इसको नहीं, न न न, ये कोई उसको कोई ऐसी शर्म या हया नहीं है। न शीलम पश्यति, वो किसी के चारित्र को भी नहीं देखती कि चारित्रवान व्यक्ति है तो इसके पास तो मुझे रहना चाहिए। ना वैदग्धम गणयति, किसी की विद्वत्ता की भी गणना नहीं करती है। ना श्रुतम आकर्णयति, इसको कितना भी कोई आवाज दे लेकिन वो सुनती ही नहीं है। ना श्रुतम आकर्णयति, ना धर्मम अनुरुद्धते, भाई धर्म सबको धारण करने के लिए होता है लेकिन इसको तो धर्म भी नहीं रोक सकता है, ये धर्म का भी ख्याल नहीं करती है, धर्म के द्वारा भी ये अवरुद्ध नहीं होती है। ना त्याग, ना त्याग मा द्रियते, त्याग का भी ये आदर नहीं करती है, ना त्यागम आद्रियते, ये त्याग का भी आदर नहीं करती है। यानी कोई त्यागशील व्यक्ति है वो तो धन का अपने लिए प्रयोग नहीं कर रहा है, वो तो लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग कर रहा है, चलो तो इसके पास तो हमें रहना चाहिए, नहीं, उसका भी ख्याल नहीं करेगी। ना विशेषज्ञता विचारयति, कोई धन का विशेषज्ञ हो तो वो तो स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट का तो ना, वो विशेषज्ञता का भी विचार नहीं करती। ना चारम पालयति, वो आचार विचार का भी परिपालन नहीं करती है। ना सत्यम अवबुद्धिते, वो सत्य को भी नहीं जानती है। ना लक्षणम प्रमाणी करोती, देखिए लक्षण से प्रमाण दिए जाते हैं, वो लक्षण को भी प्रमाण नहीं मानती है। अब विचार कीजिए कितनी चीजें एक ही बात को प्रस्तुत करने के लिए कि लक्ष्मी चंचला है और वो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का गुणवान व्यक्ति हो उसके पास वो बनी ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और इतनी बात को कहने के लिए कितने विशेषण, किस किस प्रकार के शब्द, किस किस प्रकार के क्रिया प्रयोग, ये सारी चीजें जो है ना, ये अगर हम सीखते हैं तो हमारी लेखन शक्ति जो है वो श्रेष्ठ गिनी जाती है। मेरी पुत्री ने पीएचडी प्रारंभ किया था,
तो उसने पहले दिन, वो तो इंग्लिश में लिख रही थी क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और इंग्लिश उसका मुख्य विषय भी है, तो उसने मुझे अपनी सुनाई जो कुछ उसने लिख के तैयार किया था। तो मैं कहा भाई ये भाषा तो नहीं चलने वाली, ये भाषा पीएचडी की भाषा नहीं है। आप कविता लिख रहे हो, आप गीत लिख रहे हो, आप कथा लिख रहे हो, आप वार्ता लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, उसकी भाषा अलग होती है। लेकिन अगर आप महानिबंध लिख रहे हैं तो उसकी भाषा में वो परिपक्वता होनी चाहिए। अगर आप वो परिपक्वता नहीं ला पाते हैं तो आपकी थीसिस जो है वो सम्माननीय नहीं बनती है। हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ वैसे पूरा एजुकेशन गुजराती मीडियम का है लेकिन आपको पीएचडी की थीसिस संस्कृत में लिखनी है, ये संभव ही नहीं है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि गुजराती मीडियम में आद्यंत पढ़ा हो वो और फिर बाद में उसको एकदम संस्कृत लिखने का नंबर आ जाए तो लिखेगा तो या तो ट्रांसलेशन करके लिखेगा। जब तक आप संस्कृत में सोचते नहीं हैं, संस्कृत में बोलते नहीं हैं, संस्कृत का व्यवहार नहीं करते हैं, तब तक आप उत्तम संस्कृत नहीं लिख सकते, ये निश्चित है। कम से कम पीएचडी की कक्षा की संस्कृत वो नहीं हो सकती है, लेकिन अब ठीक है, एक परंपरा होती है, एक विश्वविद्यालय के नियम होते हैं, उनका पालन इसी प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आपकी भाषा कैसे परिपक्व बनती है, किन किन चीजों का विचार करके वो श्रेष्ठ बन सकती है, इन सब चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। आगे चलते हैं। गांधर्व नगर लेखे पश्यति एव नश्यति, ओहो कितनी चंचला है, इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। रात्रि में इंद्रधनुष तो फिर भी बहुत समय तक दिखाई देता रहता है, बरसात के मौसम में निकलता है, लेकिन गांधर्व नगर की रेखा जैसे आकाश में कभी किसी को दिखाई दे और गायब हो जाती है, वो दिखती ही नहीं है। आप जिसको गिरता हुआ तारामंडल कहें या कुछ इस प्रकार से जो कहा जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि एक गांधर्व नगर की रेखा की तरह ये कब प्रकट हुई और कब नश्यति समाप्त हो गई पता ही नहीं चलता। यानी धन आपके पास आता है और वो कब इस्तेमाल हो जाता है, कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जो लोग हर महीने तनख्वाह प्राप्त करते हैं वो महीने के 28वीं तारीख को ये कहते हैं कि यार ये तो सब खत्म हो गया है। तो भाई उसकी सीमा जो है, उसकी जो परिधि है कि भाई आपको अगर 7 तारीख को तनख्वाह मिलती तो 7 तारीख तक चलना चाहिए ना, नहीं चल सकता, उतना टाइम नहीं रुक सकती है, ये उसका स्वभाव ही नहीं है। पश्यति एव नश्यति। बहुत से लोगों की तो स्थितियां ऐसी हैं कि इतने सारे लोन ले लेंगे, गाड़ी का लोन होगा, घर का लोन होगा, इसका लोन होगा, उसका लोन होगा, और परिस्थिति कैसे आएगी, जिस दिन सैलरी आई उसी दिन उन्होंने कहा कि सारे लोन वोन ये हफ्ते हफ्ते भरे गए और तब तक तो सब साफ हो गया, अगले महीना फिर उधार नहीं चलता होगा। तो ये लक्ष्मी जो है ना, ये पश्यति एव नश्यति। अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्त वर्त भ्रांति जनित, वो भाषा देखिए, आप इस भाषा को अगर इन शब्दों को बराबर समझ पाते हैं तो आपको यहां पे मंदराचल पर्वत से समुद्र का मंथन हो रहा है वो आपको एहसास हो जाना चाहिए। आज भी मंदर अपि आरूढ़म मंदराचल पर्वत जो परिवर्त वर्त भ्रमति भ्रांतिम जनयति, जो इधर से उधर एक बार खींचा जाता है, जो मथानी होती है ना, एक बार इधर घूमती है फिर उधर घूमती है, इधर उधर जो घूमती है ना, इधर से उधर जो उसको घुमाया जाता है, एक दिशा में घूमे तो चलो एक चक्र तो बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इधर घूमेगा फिर उधर जाएगा, इधर घूमेगा फिर उधर जाएगा, इस प्रकार की जो उसकी प्रक्रिया होती है भ्रांतिम जनयति, उस भ्रांति से लक्ष्मी का जन्म किससे हुआ, मंदराचल से समुद्र का मंथन हुआ और उस क्षीर सागर के मंथन से इनका जन्म हुआ है। तो आज भी जैसे उस मंथर से, जिस संस्कार से इनका जन्म हुआ, संस्कार एव परिभ्रमति, वो संस्कार ऐसा आ गया है कि ये घूमती रहती, रुकती नहीं है जगह, यानी इसका जन्म ही मंदराचल के इधर उधर भ्रमण होने से हुआ है, इसलिए वो संस्कार ऐसा इसके अंदर बैठा है कि आज भी उसी प्रकार से ये भ्रमण करती रहती है, ये रुकती नहीं है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि
निर्भम मा वधनाति पदम। आगे बात करते हैं, कहां रहते हैं? इनका निवास कमल वन में है, और वहां कमलिनी जो होती है ना, उनपे चलते चलते किसी कमलिनी का जो नाल है, देखिए कमल नाल में गुलाब की तरह कांटे नहीं होते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा कंटकित होता है, जिसको हम कहें ना कि हल्के 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 इस प्रकार के जो चुभ जाए, बैंगन में भी इस प्रकार के होते हैं, या आप ये कहें जो ताजी लौकी वगैरह होती है उनमें भी आपको छोटे छोटे रेशे दिखाई देते हैं, जैसे हमारे शरीर पर रुएं होते हैं ना, ऐसे दिखाई देते हैं। जब वो लौकी ज़्यादा बड़ी हो जाती, परिपक्व हो जाती है, तो उसका ऊपर का जो छाल है वो चिकना हो जाता है। अब ये तो बड़ी कोमला है, कमल पे रहने वाली है, तो संचरण व्यतिकर चलने के समय लग्न नलिन नाल, उस नलिनी के साथ जुड़े हुए लग्न यानी जुड़े हुए नाल यानी जो उसका दंड है, उसके कंटक, उसके किसी कांटे से क्षति हो, जिसके पैर में वो कांटा चुभ गया है और पैर में कांटा लग गया ना क्वचिदपि, इसके कारण कहीं भी निर्भर मां बधनाति पदम, वो अपना पैर टिकाती ही नहीं है। भाई जिसके पैर में दर्द हो रहा हो ना, तो वो खड़ा नहीं रह सकता है, एक जगह पैर नहीं रख सकता है। तो कमलनी के जंगल में घूमते घूमते किसी कमल नाल के कंटक से जिनका पैर घायल हो गया है, ऐसी वो एक जगह ना बद निर्भर मां बदनाति पदम, अपने पैर को एक ही जगह पे स्थिर नहीं रखती है, पूरा पैर ही नहीं रखेगी। भाई व्यक्ति पूरा पैर रखे ना, तो उसके ऊपर वो अपना वजन रखे तो रुका रहे, लेकिन उसमें तो कांटा लग गया तो पूरा पैर रखा ही नहीं जाता। जब पूरा पैर नहीं रखा जाता तो फिर भैया जब वजन ही नहीं रखोगे तो आगे बढ़ जाओ वहां से, तो वो एक पैर कहीं भी स्थिर करके नहीं रखती है। कल्पना देखिए कि किस किस तरीके से विचार करते हैं बाणभट्ट, यही क्षमता चाहिए एक PhD के विद्यार्थी के अंदर। अति प्रयत्न विद्रुतापि परमेश्वर्य ग्रहेषु विविध गंध गज गंड, अति प्रयत्न विद्रुता। भाई सामान्य प्रयत्न से तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अत्यंत प्रयत्न करे व्यक्ति, बड़ी मेहनत करे व्यक्ति, परमेश्वर ग्रह ऐसे परम ऐश्वर्यशाली ग्रहों में विविध गंध गज गंड, विविध प्रकार के जो हाथी हैं उनके गंडस्थल से बहने वाला जो मद है उसकी गंध से मधुपान मत्ती वो परिस्खलती। अब उस गंध का मधुपान किया हो, ऐसा कहा जाता है कि जब हाथियों का मद झड़ता है तो बहुत सारे भौंरे उस मद पे बैठते हैं और उसका उनको इस प्रकार से नशा हो जाता है। देखिए नशे की बात तो यह है कि कुछ लोग तम्बाकू खाते हैं, मसाला खाते हैं, फिर भी उनको थोड़ा बहुत नशा होता है। मेरे सामने तो कोई मावा हमारे यहाँ गुजरात में चलता है, खास करके काठियावाड़ में, तो एक दिन एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी जोर से वो मसाला घिसा और मेरे सामने पुड़िया खोली, तो मुझे उसकी गंध से ऐसा लगा कि जैसे पूरा चक्कर आ गया। तो ये तो कैसा है कि व्यक्ति जिस चीज़ से आदत पड़ जाए वो पड़ जाती हो, नहीं पड़ जाए तो उसको वो सिगरेट का धुआं भी नशा दे जाए। तो यहाँ कहते हैं एक जो कहा जाता है ना कि मधुमास में यानी बसंत ऋतु में आम पे मोर आता है, हिंदी में कहते हैं कि आम बौर आ गया है, आम पे बौर आ गया, आम बौर आ गया है, आम नहीं खास भी बौर आ जाता उस समय। आम तो एक वृक्ष है, लेकिन ये बसंत का वातावरण ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा कम होता है ना, इन दिनों में उनका मानसिक संतुलन और अधिक बिगड़ता है। ये ऋतु का महिमा होता है, ये वातावरण में बहने वाले पवन का महिमा होता है। तो यहाँ उस भौंरे से तुलना कर रही हैं कि उसका मधुपान करने के कारण जो मत हो गई, जिसको नशा आ गया है, इसलिए परिस्खलन थी, अब उसका भरोसा ही नहीं है कि वो खड़ी रह पाएगी, गिर जाएगी, आगे चली जाएगी, उसको खुद ही पता नहीं चलता कि उसको जाना किसके घर पे है, हैं? तो परिस्खलन थी पारुष्यमिवोपशिक्षितुम आसिधारा सुनिश्चित। ये तलवार की धाराओं में
धार में, धाराओं में यानी तलवार की धार में ये निवास करती है। यानी मैंने सबसे पहले आज का वाक्य यहीं से शुरू हुआ था कि लक्ष्मी अत्यंत कठिन प्रयत्न से प्राप्त होती है। अब इसमें चाहे तो आप तलवार की धार से प्राप्त होती है या आपकी मेहनत रूपी तलवार से प्राप्त होती है, जो भी कहें, तो वो क्या कह रहे हैं कि असी धारासु निवसित निवसती, असी धाराओं में, इसलिए असी की धार में यानी तलवार की धार में वो इसलिए निवास करती है पारुष्यमिव उपशिक्षितो, कि आपको वो कठोरता सिखाती है। जब बड़े प्रयत्न से पैसा प्राप्त होता है ना, तो सरलता से कोई उसको किसी को दे नहीं सकता है। अरे हमें पता है कितनी मेहनत से पैसा प्राप्त होता है, ऐसे ही दे देंगे आपको, क्यों दे दें, नहीं दे सकते। तो व्यक्ति को कठोर बनाती है। क्यों कठोर बनाती है? क्योंकि वो तलवार की धार पे निवास करती है। तलवार की धार पे निवास करने का अर्थ सीधा ये नहीं है कि तलवार में से कुछ पैसा झड़ता है, लेकिन तलवार यानी कि जो योद्धा लोग हैं वो तलवार से राजलक्ष्मी प्राप्त किया करते थे, राज्यों पे विजय प्राप्त किया करते थे। आप मेहनत रूपी तलवार का प्रयोग करके और धन संपत्ति अर्जित करते हैं, तो जब बड़ी मेहनत से ये प्राप्त होती है तो ये लोगों को कठोरता सिखाती है, शिक्षा देती है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्ति। अब देखिए नारायण की पत्नी है लक्ष्मी नारायण, सभी जानते हैं। तो नारायण की पत्नी ये ऐसे ही बनी, इन्होंने विश्वरूप ग्रहीतुम, इन्होंने विश्वरूप प्राप्त करने के लिए ये आश्रय ग्रहण। ये नारायण की पत्नी इसलिए नहीं बनी है कि उनकी पत्नी बनने में इनको कोई रस था, ये तो उनकी पत्नी इसलिए बनी है क्योंकि इनको विश्वरूप धारण करना था। विश्वरूप यानी लक्ष्मी सर्वत्र कार्य करती है, जहां कोई सफल नहीं होता है लक्ष्मी वहां भी सफलता दिलवाती है। हमने बिना पढ़े लिखों को व्याख्यान देते देखा है पैसे के बारे में, समझ लीजिए कि कोई दसवीं तक पढ़ा होगा है? और वो कॉलेज के शिक्षकों के बीच में जब वो कॉलेज बनवाएगा या किसी कार्य में बहुत बड़ा धन का दान देगा, मान लीजिए आप एक बड़ा सेमिनार करते हैं और उस सेमिनार में कोई आपको 5 लाख रुपए का डोनेशन देता है, अब वो पढ़ा लिखा है या नहीं है लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर आप उसको बुलाएंगे, मुख्य वक्ता कोई और बुलाएंगे लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर उसको बुलाएंगे। अब बताइए जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसको कुछ मालूम नहीं है, जिसने सारी जिंदगी अपने से गुजार दी हो, अब मुख्य अतिथि के तौर पर उसको वक्तव्य देने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेगा? अरे मुख्य अतिथि कैसा होना चाहिए? लेकिन ऐसे लोग मुख्य अतिथि के तौर पर बैठे होते हैं, कई बार ऐसा देखा जा सकता है, और जब उनको बोलने को कहा जाएगा तो वो इतने ही बोल पाते हैं कई बार तो, और समझदार होते हैं वो कम बोलते हैं, जो नहीं समझदार होते हैं वो तो उस टाइम पे भी अपनी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, तानने की कोशिश करेंगे। तो ये विश्वरूपा है, सर्वत्र इसकी चलती है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ की लक्ष्मी की ना चले, इस बात को यहाँ कह रहे हैं। तो इसीलिए उसने नारायण की मूर्ति को आश्रय लिया है। अप्रत्यय बहुलाचा दिव शांतम कमल मिव समुचित समुपचित मूल दंड कोप मंडलमपि मुंचति भूभुजम। अप्रत्यय बहुला, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है, बहुला यानी अत्यधिक, इस बात का ख्याल रखिए कि अप्रत्यय, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। देखने में बड़ी सुंदर है, कैसी है, कमल जैसी सुंदर है, पर दिवशांत, जैसे दिवस जब खत्म होता है तो कमल मिव, तो वो कमल भी पूरे दिन जो बड़ा सुंदर दिखाई देगा ना, दिवशांत होते होते वो संकुचित हो जाता है। कमल प्रत्येक प्रातःकाल सूर्य की किरणों के साथ खिलता है और सूर्यास्त होता है तो वो भी संकुचित हो जाता है। उसी बात को यहाँ याद कर रहे हैं कि जैसे कमल की सुंदरता का आप विश्वास नहीं कर सकते, आप किसी को कमल भेंट में दे दीजिए हैं, कि बहुत बढ़िया फूल आपने दिया है, शाम पड़ेगी सूर्य अस्त होगा वो कमल संकुचित हो जाएगा, तो सारा सौंदर्य तो उसका खत्म हो गया। तो अप्रत्यय बहुला, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, दिवशांत कमल में वह सायंकालीन कमल के समान
समुपचित मूल दंड कोप मंडलम अपि मुंचति भोज। इस प्रकार से भी जिन राजाओं ने सभी प्रकार से अपनी धन संपत्ति को या अपनी राजलक्ष्मी की रक्षा करने के लिए प्रयत्न कर रखे हैं, कैसे कैसे प्रयत्न, शाम दाम दंड भेद वगैरह जितनी नीतियां हैं उन नीतियों का प्रयोग करते करते उन्होंने राजलक्ष्मी को सुरक्षित करने के लिए दुर्ग भी बनाए हैं और सब प्रकार की। आप कल्पना कीजिए कि रावण की लंका में किस चीज की कमी थी, हैं? समुद्र जिसकी चारों तरफ से रक्षा किया करता था और वो भी 100 योजन लंबा समुद्र, हैं? ये उसकी क्या थी, खाड़ी थी। और उसके बाद फिर उसने अलग से खाड़ी तो बनाई हुई थी और समुद्र में भी कैसी कैसी राक्षसियां थी। वो सिंघनी नाम की राक्षसी तो ऐसी थी कि कोई अगर समुद्र पार करने के लिए जा रहा है तो उसकी परछाई पकड़ के उसको खींच ले। यानी उस क्या उस खाड़ी में भी उसने ऐसे तत्व विद्यमान रखे हुए थे जो लंका तक किसी को पहुंचने ही ना दे। और सोने की बनी हुई लंका, उसमें कैसे कैसे कुंभकर्ण मेघनाथ कैसे कैसे महान महान योद्धा, और फिर भी राज लक्ष्मी उसके पास नहीं टिकी, उसका भी परित्याग कर दिया। इसलिए कहते हैं दंड कोप मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। इस सब प्रकार की तैयारियां जिन्होंने की हो उन भूभुजम उन राजाओं का भी ये परित्याग कर दिया करती है। इसलिए क्या है, अप्रत्यय बहुला, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। सुबह से पूरे दिन खिला हुआ कमल खिला रहेगा और शाम होते होते संकुचित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कब तक आपके पास रहेगी और कब आपका साथ छोड़ करके ये चली जाएगी। बड़े बड़े राजाओं ने जिन्होंने इसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रकार के प्रयत्न किए हैं, मुंचति भूभुजम, ऐसे राजाओं को भी ये छोड़ दिया। लतेव विटपकान अध्यारोहति, जैसे लता किसी वृक्ष पे लपेट जाया करती है, इस प्रकार से ये जो गलत आचरण करने वाले होते हैं ना, ये उनके पास बड़ा दौड़ दौड़ के जाते हैं। बाणभट्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां बाणभट्ट के शब्द। विटपकान अध्यारोहति लतेव, जैसे विटप के ऊपर लता चढ़ती है उसी प्रकार से गंगे व वसु जननी अपि तरंग बुदबुद चंचला। देखिए गंगा ने 8 वसुओं को जन्म दिया, 8 वसुओं की माता होने के बाद गंगा को क्या इच्छा हुई कि वो बुलबुलों को जन्म देती है। जब फैन होता तो उसमें जल के बुलबुले जो उत्पन्न होते हैं जिनका कोई अस्तित्व या आयुष्य ही नहीं, फिर भी गंगा उनको उत्पन्न करती है। अरे 8 वसुओं की माता बनके आपको संतोष नहीं हुआ कि आप इन बुलबुलों को उत्पन्न करती हैं? उन बुलबुलों की तरह ये चल जाए। दिवस कर गति रिव प्रगटति विविध संक्रांति। सूर्य जो है, दिवस कर यानी सूर्य, गति रिव वो गति करता है, प्रगट यदि उसी प्रकार से ये भी गति करती रहती है। जैसे सूर्य अलग अलग राशि पे संक्रांति करता है कि मकर संक्रांति, धन संक्रांति, सभी संक्रांतियां आती, मेघ संक्रांति, जितनी राशियां 12 राशियों की संक्रांतियां जैसे आती है ना, तो जैसे सूर्य विविध राशियों पे संक्रांति करता है, गति करता है, ऐसे ये किसी एक के पास रहती नहीं है, ये संक्रांति करती रहती है अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग घरों में। हमारे यहाँ राशि में 12 ग्रह होते हैं, लग्न से लेके देहम द्रव्य पराक्रम सुख सुतौ शत्रु कलत्रमृति भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदितौ लाभ व्ययो लग्नता। पहला लग्न है उसको शरीर भाव कहा जाता है, दूसरा भाव है वो द्रव्य भाव कहा जाता है, तीसरा भाव वो पराक्रम भाव कहा जाता है, चौथा भाव उसको सुख भाव कहते हैं, पंचम भाव उसको विद्या का भाव कहते हैं, छठा भाव उसको शत्रु का भाव कहते हैं, सप्तम भाव वो जीवन साथी का भाव, पत्नी का भाव होता है, अष्टम भाव इससे मृत्यु का योग देखा जाता है, नवम भाव भाग्य को कहता है, दसम भाव आपके राज्य या पिता के सुख को कहता है, ग्यारहवां भाव जो है वो व्यय का है,
आय का है और बारहवा भाव है जो व्यय का है। ये बारह भाव हैं, बारह घर हैं, उन बारह घरों में सूर्य गति करता रहता है। ऐसे भैया जितने भी घर होते हैं ये सूर्य की तरह ये लक्ष्मी जो है हमेशा गति करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, जैसे कोई पाताल की गुफा हो इस प्रकार से ये अंधकार से व्याप्त है। अंधकार से व्याप्त इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे पाताल की गुफा में आपको कुछ दिखाई नहीं दे और जब अंधकार में आप डूब जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। इसी प्रकार से जब लक्ष्मी आपके पास आएगी ना तो आपके दिमाग में एक अंधकार बैठ जाएगा और आप कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितने पैसेदार लोग होते हैं वो बहुत सारे मैनेजर रखते हैं, इसको भी मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए, इसको भी मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए। देखिए उनके पास कितने मैनेजर होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने पास कोई मैनेजिंग शक्ति होती ही नहीं है भाई, प्रमाण तो ये कह रहे हैं। चलिए हिडिंबेव भीम साहसिक हार्य हृदय, ये इतनी कठोर हृदय है, जैसे भीम ने अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए हिडिंबा को अपने वश में किया था या हिडिंबा के हृदय को आकर्षित किया था, ऐसे ये भी भयंकर पराक्रम जो लोग दिखाते हैं ना उनकी तरफ आकर्षित होती है, ऐसी कठोर हृदय वाली है ये। प्रावृड वारी विद्युतिकारिणी, वर्षा ऋतु में बरसती हुई जल के बीच में जैसे बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, उसी प्रकार से इसकी चमक तो बड़ी तेज है, किसी के ऊपर गिर जाए तो बड़ी खतरनाक है, उसका विनाश कर दे, लेकिन है बड़ी चंचला, ये ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। दुष्ट पिशाचीव दर्शिता ने पुरुषोच्छाया, और दुष्ट पिशाचिनी की तरह ये अनेक पुरुषोच्छाया, किसी एक जगह किसी एक व्यक्ति के पास, ये तो इसका स्वभाव नहीं है। जितने जैसे दुष्ट पिशाचिनी होती है ना, हमारे उल्टा शब्द का भी प्रयोग करते हैं कई बार, एक पुरुष से संतुष्टि नहीं होगी, कहीं किसी के पास कहीं किसी के पास, जहां जहां जाएगी तभी उसको आनंद मिलेगा, तो उस प्रकार का इसका स्वभाव है। स्वल्प सत्व उन्मीति करोती, ये व्यक्ति के थोड़े से सत्व को उन्मत्ति करो, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो व्यक्ति ऐसे जमीन से ऊंचा ऊंचा चलने लग जाता है, अरे तुम्हें क्या पता मेरे पास तो 100 की नोट है, हैं? तो ये इसका एक विचित्र स्वभाव है, उन्मत्ति करोती है, किसी के पास थोड़ा सा भी सत्व हो ना तो उसको भी पागल बना देती है, क्या तुम्हें मालूम है मेरे पास तो धन है। एक कथा आती है हितोपदेश में, आपने सबने पढ़ी होगी, दो साधु हैं, एक अपने मित्र के यहाँ आता है और रात को वो जो मित्र है बार बार एक बांस को कटराता है, तो कहता है यार मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम बार बार ये बांस जमीन पर क्यों पछाड़ते हो, तो कहता है यार वो देखो वहाँ खूंटी पे मैंने ऊपर जो मैं भिक्षा का वो टांग देता हूँ वहाँ पे भी चूहा कूद के पहुँच जाता है, तो कहता है अच्छा चूहा इतना ऊपर अगर कूद पाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति होगी, तो शक्ति क्या होगी, तो उसके बिल को खोदता है और बिल को खोदता तो वहां सुवर्ण की मुद्राएं निकलती हैं, यानी सोने की ताकत मिल जाए तो चूहा भी कूदने लग जाता है। वही बात यहां कही गई है कि स्वल्प सत्वम, जिसमें बहुत शक्ति नहीं है, जिसमें कोई बहुत वो नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता भी नहीं है, जिसके पास थोड़ा सा भी सत्व हो लेकिन ये अगर वहां पहुंच जाती है ना तो उसको उन्मत्ति करोगी, उसको उन्मत्त बना देती है, नशीला बना देती है, उसको पागल कर देती है। सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव नातिंगति जनम, और जो विद्वान होते हैं, जो सरस्वती के उपासक होते हैं, जिनके पास विद्या होती है, जिनके पास विद्वत्ता होती है, ये ईर्ष्या बस उनकी तरफ तो देखती भी नहीं है, ना लिंगति, उनका आलिंगन नहीं करती, उनके पास नहीं जाती। बाण भट्ट क्या कह रहे हैं कि भाई पैसेदारों के पास तो पैसा होता है लेकिन विद्वानों के पास पैसा नहीं। और ये तो कई बार कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती का एक जैसे कि बैर जैसा है कि सरस्वती जिसके पास होगी उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर पैसा तो आएगा ही नहीं जीवन में, हैं? तो कुछ लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं,
और जो नहीं पढ़ते हैं, देखिए ये कहा जाता है ज़्यादातर हमारे राजनेता कम ही पढ़े लिखे होते हैं। अब एक ज़माना अलग आ गया है कि आपको अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मिल रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो बिल्कुल अनपढ़ रबड़ी देवी की तरह जिन्हों कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा ऐसे लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे लोग हमारी लोकसभा में भी थे, फूलन देवी जैसे डाकू हमारे यहाँ लोकसभा में जीत के आ सकते हैं। ये तो भारत का गौरवशाली इतिहास है, जब कभी इसकी चर्चा करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कल्पना कीजिए जो ज्यादा पढ़ेगा वो मैनेजर बनेगा, उससे कम पढ़ेगा तो वो उसके ऊपर आईएएस ऑफिसर वगैरह बने, क्योंकि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसने उस तरीके की परीक्षाएं दी होंगी। और उससे भी जो कम पढ़ा होगा वो नेता जो है वो उसको सूचना देगा कि नहीं तुमको ये ऐसे करना, तुमको ये ऐसे करना, निर्णय वो नेता लेगा। तो कम पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा होशियार होता है, हम उसके निर्णयों का मान सम्मान करते हैं, वही हमारे लिए कायदे बनाते हैं, वही हमारे लिए कानून बनाया करते हैं। चलिए हम विषय पे आते हैं, सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या एव। जिसके पास सरस्वती होती है, जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास विद्वत्ता होती है, उसके प्रति ईर्ष्या करके ये कभी उसका आलिंगन नहीं करती है, यानी कभी उसके पास नहीं जाती है। गुणवंतम अपवित्र न स्पृशति। जो गुणवान व्यक्ति है उसको तो बिल्कुल अपवित्र मान के उसका स्पर्श भी नहीं करती है, गुणवान व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं जाएगी। देखिए ये भी एक विचार करने की पद्धति है, पहले ये कैसे चंचला है उसका वर्णन किया, फिर इसका स्वभाव किस प्रकार का उसका वर्णन किया, अब ये किस किस के पास नहीं जाती, किसके पास जाती, इस चीज की चर्चा चल रही है। तो क्या कहते हैं कि जिसके पास विद्या होती है उसके पास नहीं जाती है, जिसके पास गुण होते हैं उसको अपवित्र मान के उसका स्पर्श भी नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलमिव न बहुमन्यते। जो उदार सत्व वाले व्यक्ति होते हैं, जो बड़े हृदय वाले होते हैं, जो लोगों के कल्याण का विचार किया करते हैं, उनके प्रति अमंगलमिव, उनको तो अमंगलकारी मानती है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ना बहुमान्यते, उनको बहुमान नहीं देती है, यानी उनके पास भी नहीं जाती है। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति। जो सज्जन लोग होते हैं उनको तो अनिमित्त, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। शकुन अपशकुन होता है ना, ऐसे निमित्त और अनिमित्त होता है, तो उसका कोई कारण ही नहीं है उनकी तरफ देखने का, तो उनकी तरफ तो देखती तक नहीं है। अभिजातम अहिमिव लंघयति। जो अभिजात हैं, उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ है, अहिमिव लंघयति। जैसे आपको सांप दिख जाए ना तो आप कैसा कूद के उसको पार करके निकल जाएंगे कि भैया दूर भाग जाओ इससे, इस तरीके से उत्तम कुल के लोगों को तो ये सांप की तरह लांघ के आगे निकल जाती है। सूरम कंटक में ऊपर रहती, और कोई सूरवीर योद्धा हो तो कांटे की तरह उससे दूर रहती है, जैसे कांटे से व्यक्ति दूर भागता है ऐसे सूरवीर योद्धा से ये दूर भागती है। दातारम, जो दान देने वाला होता है, दुस्वप्न विवन स्मृति, उसका तो स्मरण भी नहीं करती है। वैसे तो कहा यही जाता है कि दान करने से व्यक्ति का धन कभी कम नहीं होता, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अगर आपने 1,000 रुपया है और 500 किसी को दे दिए तो आपके पास 500 ही बचे। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे मैंने कहा कि सोनू सूद ने बड़ा लोगों की मदद की और बड़ा लोगों का कल्याण किया, अब अगर उसकी फिल्म आएगी तो लोग उसी तरीके से उतने आदर सत्कार के साथ देखेंगे, मान सम्मान के साथ देखेंगे, तो प्रोड्यूसर के पास से भी वो अधिक पैसा अर्जित कर सकता है, ये संभावनाएं रहती हैं। लेकिन वास्तविकता ये कहती है कि दाता के पास से धन चला जाता है, और ये भी जो दाता होते हैं उनको दुस्वप्न की तरह याद नहीं करती है। विनीतम पातकिनमिव नोपसर्पति। जो विनीत विनम्र लोग होते हैं, जैसे कोई पापी हो, पातकिनमिव नोपसर्पति, उनके पास नहीं जाती है, पापी के पास जैसे नहीं जाया जाता है। मनस्विनम, जो मनस्वी लोग होते हैं उनके प्रति उन्मत्त में वो बहसती, जैसे वो तो उन्मत्त हैं, पागल हैं, इस प्रकार से उनकी हंसी उड़ाती है, उनके पास भी नहीं जाती है। परस्पर परस्पर विरुद्ध इंद्र जाल में वो दर्शयंती प्रगटयति जगति निजम चारित्रम चरितम। और परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल मिला। इंद्रजाल कैसा होता है,
कि आप बैठे हैं, ये देखिए नेट की प्रक्रिया इंद्रजाल ही है कि हमारे विश्वनाथ जी उड़ीसा में हैं, कोई कानपुर में है, कोई कहीं है, और हम सब लोग कैसे एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं, हैं? तो ये एक, अगर आज से 10 साल पहले किसी से ये कहा हो कि भैया हम वहाँ वो वहाँ और एक ही क्लास में बैठ के हम लोग पढ़े हुए हैं, तो कोई कहेगा कि आप एक क्लास के सहपाठी हो सकते हैं? सेजल अहमदाबाद में और शिप्रा कानपुर में, और दोनों कहें कि हम एक ही गुरु के सहपाठी रहे हैं और विश्वनाथ जी उड़ीसा में, तो कैसे ये संभव है? तो ये तो विरुद्ध बातें हैं। तो इसी प्रकार से ऐन्द्र जाल में वो दर्शयन्ति प्रगटयति जगति निजम चरितम। अब वास्तविकता तो क्या है कि जो विद्वान है उसके पास धन होना चाहिए, जो गुणवान है उसके पास धन होना चाहिए। तो जो ऊपर वर्णन किए गए, जिन जिन के पास धन होना चाहिए उन्हीं के पास नहीं होता है, तो ये विरुद्ध आचार का प्रकटन करती है, विरुद्ध चरित्र का ये प्रदर्शन करती है। तथा ही सततम उष्माणम आरोपयंती जाड्यम उपजनय। और ये कैसी है कि जिसके पास जाती है ना, अब देखिए जिन इनके पास तो जाती नहीं है, लेकिन जिनके पास जाती है उनकी क्या दशा होती है। तथा ही इसलिए कहते हैं कि सततम हमेशा उष्माणम आरोपयति, उसके दिमाग पे गर्मी चढ़ जाती, जाड्यम उपजनयति, उसमें तो जड़ता उत्पन्न कर देती है। उसको तो फिर ये लगता है कि मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, और मैंने कहा अगर इसको नहीं मान रहे हो तो बाकी दुनिया की हर बात बेकार है, क्योंकि देखो मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ इसलिए तुमसे ज़्यादा पैसा मैंने कमाया है, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा पैसा कमा पाया हूँ, तो मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तुमको मेरी बात ही माननी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जड़ता उत्पन्न करती है, जाड्यम। उन्नति मादधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति। ये उन्नति तो देती है, पैसा आता तो व्यक्ति का कद तो बढ़ता है, हैं? लेकिन उसके स्वभाव में नीचता आ जाती है, उसकी सोच छोटी हो जाती है। धन से व्यक्ति में समृद्धि बढ़ती है, व्यक्ति का कद ऊंचा होता है, लेकिन स्वभाव में जिसको कहते हैं ना कि सूक्ष्मता, नहीं सूक्ष्मता तो शब्द बहुत अच्छा है, नीच शब्द का प्रयोग किया है, नीच स्वभाव आविष्कार होती है, उसका मन संकुचित हो जाएगा, मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, अरे रे ये तो बहुत निकृष्ट व्यक्ति है, लोगों के प्रति सबके प्रति ये जो भावना, तो उसके स्वभाव को नीच बना देती है, कद ऊंचा और स्वभाव नीचा हो जाता है। तो ये राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। इसका जन्म कहां से हुआ? लक्ष्मी का तो समुद्र में से हुआ, और समुद्र क्या है? जल की राशि है, जल की राशि में से इसका जन्म हुआ है, फिर भी ये लोगों के मन में तृष्णा उत्पन्न करती है, लोगों को पैसे की प्यास इतनी ज्यादा, जिसके पास ये पहुंचती है उसको और अधिक पैसे की प्यास होती है। देखिए गरीब गांव से खेती करने वाला या गांव शहर में मजूरी करने के लिए जो आया वो फुटपाथ पे सो जाता है, 300 रुपए मिलते हैं तो 300 रुपए में वो ये समझता है कि बस मेरा सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और जिस व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है उसको ये लगता है कि नहीं अभी तो इतना कम पड़ रहा है। जो सरकारी नौकरी में उच्च पद पे बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए जिनको लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, उनको भ्रष्टाचार करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इतना कुछ मिल रहा है, इससे आपका घर नहीं चल सकता है, इससे आपका पेट नहीं भर सकता है, इससे आपके घर परिवार अच्छे तरीके से नहीं जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। अगर उस मजदूर का 300 रुपए में घर चल सकता है तो आपका जो आपको तनख्वाह दी जा रही है उसमें घर चल ही सकता है। लेकिन ये जो तृष्णा संवर्धयति, ये लक्ष्मी जो उसके मन में तृष्णा उत्पन्न करती है, इसके कारण वो भ्रष्टाचार करेगा, गलत आचरण करेगा। तो समुद्र से जन्मी है, जल में से जन्म हुआ, फिर भी लोगों को प्यास उत्पन्न करती है, लोगों में प्यास पैदा करती है। ईश्वरताम ददानापि अशिव प्रकृतित्वम आपन। वैसे तो ये ईश्वर है, आप लक्ष्मी देवी कहते हैं, हैं? सत्यनारायण की आरती होती थी, ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी माता, तो कैसे कैसे इनकी आरतियां की जाती हैं। तो ईश्वरताम ददानापि, ये दैवी स्वरूप वाली है, फिर भी अशिव प्रकृतित्वम आपन होती आत्म, फिर भी व्यक्ति का स्वभाव अकल्याणकारी बना देती है। जिसके पास पैसा होता है उसका स्वभाव
अच्छा नहीं रहता, उसके स्वभाव को अकल्याणकारी बना देती है। ईश्वर तो लोगों को श्रेष्ठ बनाता है, ये लोगों को निकृष्ट बना देती है। बलोपचय माहरन्त्यपि, अत्यंत बलपूर्वक जिसका संचय किया जाता है, जिसको प्राप्त किया जाता है, फिर भी लघिमानम आपा देती, फिर भी व्यक्ति को लघिमान। देखिए, अत्यंत बलवान जो व्यक्ति है वो लघु छोटा कैसे हो सकता है? अत्यंत शक्ति के द्वारा, अत्यंत पराक्रम के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है, वो फिर भी व्यक्ति को लघिमानम आपा देती, उसको लघु बना देता, उसको छोटा बना देता। जो साहस में बड़ा है, जो पराक्रम में बड़ा है, लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद वो स्वभाव से छोटा हो जाता है, वो अपने गुण धर्मों से छोटा हो जाता है। अमृत सहोदरापि, ये अमृत की बहन है, जिस क्षीर सागर में से इसका जन्म हुआ उसी क्षीर सागर में से अमृत भी निकला है, फिर भी कटु विपाका, फिर भी इसके परिणाम बड़े कटु होते हैं। कटु विपाका अर्थ क्या है कि लक्ष्मी जिसके पास है उसके परिणाम विपाक कहते हैं। फल जब पक जाता तो उसको विपाक कहते हैं, कर्म विपाक होता है, कर्मों के फलों की प्राप्ति जिसमें होती है, तो इसका परिणाम जो है वो कटु हुआ करता है। कटु विपाक का अर्थ है इसके परिणाम बड़े कटु होते हैं। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, ये विग्रहवान है, ये अन्य देवताओं की तरह लक्ष्मी जो है वो न दिखाई दे सी नहीं, इसका तो स्वरूप है, आप सोने के रूप में देख सकते हैं, आप रत्नों के रूप में देख सकते हैं, आप सिक्कों के रूप में देख सकते हैं, आप नोटों के रूप में देख सकते हैं, तो ये तो विग्रहवान है, इंद्र का कोई स्वरूप नहीं है, विष्णु का कोई स्वरूप नहीं है, ये तो हमने एक अपनी कल्पना का चित्र बनाया है। इसीलिए अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ वही विष्णु रंगनाथ बन करके आपको एक अलग रूप में दिखेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो विट्ठलोबा बन के अलग रूप में दिखाई देंगे, हमारे यहाँ गुजरात में आएंगे तो द्वारकाधीश बन के अलग रूप में दिखाई देंगे, और ऐसे ही आप बद्रिकाश्रम चले जाए तो वहाँ एक अलग स्वरूप है, एक ही विष्णु है, जहाँ जिसने जिस रूप में उसको देखा उस रूप में उसको दिखाया है, क्योंकि उसका अपना कोई स्वरूप आपको नहीं मालूम है। लेकिन लक्ष्मी का तो स्वरूप है, वो तो विग्रहवत्यपि विग्रहवान है। अब प्रत्यक्ष दर्शना, तो भी इसका कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करना चाहिए भैया, इससे दूर रहना चाहिए, हाथ में आई नहीं, हाथ का इसका स्पर्श मिला नहीं, कि आप ये समझ लीजिए कि आपका हाथ काला हो गया, आपके पास आई नहीं, कि आप समझ लीजिए कि आपको कलंक लग गया। खल जनप्रिया, फिर भी ये देखिए ऊपर एक शब्द रह गया और वो शब्द मैं भूल गया, चलिए उसको लेते हैं। क्या कहा है, हाँ, पुरुषोत्तम कह रहे हैं, पुरुषोत्तम रतापि, पुरुषोत्तम के प्रति इनकी रति होने पर भी खल जनप्रिय, पत्नी तो पुरुषोत्तम की है, विष्णु की है, और प्रेम ये दुष्टों के साथ करती हैं, खल के साथ प्रेम करती हैं। आप देखिए, आपको हमेशा ये एहसास होगा कि सज्जन व्यक्ति के पास पैसा नहीं और दुर्जन के पास पैसा है, गुंडा है वो गले में इतनी बड़ी मोटी सोने की चैन पहन के और हाथ में एक सोने का वो बांध करके और वो घूमता होगा, और एक बहुत बड़ा पंडित होगा तो उसके हाथ में बेचारा लाल धागा बंधा होगा, वो रक्षा सूत्र बंधा होगा, गले में क्या होगा तो एक रुद्राक्ष की माला होगी, और क्या होगा उसके पास, कंधे पे जनेऊ होगा, और वो जो दुष्ट होगा ना गुंडा, उसके गले में आप देखिए कितनी मोटी चैन, जब मैं किसी को बहुत मोटी चैन पहने देखता हूँ ना तो मुझे तुरंत ये एहसास होता है कि आजकल तो ये निशानी बन गई है कि कोई गुंडा तत्व होगा तो ये ऐसी चैन पहनेगा, तो फिर भी खलजन को ये प्रेम करने वाली है। रेणुमयी व स्वच्छमपि कलुषी करोती, जैसे धूल उड़ती है ना तो सब आपके पूरे घर को गंदा कर जाती है, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ हो, निर्मल हो, ये लक्ष्मी उसके पास पहुंचे ना तो उसको भी कलुषी करोती, उसको भी गंदा कर देती है। यथा यथा चेयम चपला दीपते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्मम केवलम उद्भवति, जैसे जैसे यथा यथा यानी जैसे जैसे चेयम चंचला, ये चंचला लक्ष्मी जो है दीप्यते प्रकाशित होती है, यानी व्यक्ति के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता है या जैसे जैसे वो इस पैसे का प्रयोग करना शुरू करता है तथा तथा वैसे वैसे दीप सिखे वो जैसे दीप सिखा जो दीपक होता है वो कज्जलम मलिनमिव जैसे काला काला काजल जिसको कहते हैं ना कि काला धुआं निकलता है
है उसको उत्पन्न करता है। ऐसे ये भी अपने अंदर से जो पैसों का उपयोग करते हैं, कज्जलताम उद्भवति, ये गलत चीजों का ही उद्भवन करेंगे। जब अधिक पैसा आ जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उनने कहा चलो एक क्लब में जाएं, उनने कहा चलो किसी डिस्कोथेक में जाएं, उनने कहा चलो कहीं यहाँ जाएं, कहीं वहाँ जाएं, यही सब व्यक्ति करेगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि समय काफ़ी हो गया है, आप में से भी काफ़ी लोग लेट कर चुके हैं, तो आज इसको यहीं रोक देते हैं। कल देखेंगे यहीं से कर्मम केवलम उद्भवति, ये सिर्फ गलत कार्य ही उससे करवाती है, गलत मार्गों पर उनको ले जाती है। जैसे एक दीप शिखा कज्जल उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी अगर किसी के पास पहुंच जाए तो उसके जीवन में गलत कार्य